अक्षरा सिंह की गायकी को अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, इसलिए हम ये नहीं कह इसलिए रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि अक्षरा सिंह कोई भी एल्बम लाती थी वो रातों रात हिट हो जाती थी, उसे यूट्यूब पे बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते थे। लेकिन अब उनकी कौन सी एल्बम कब आती है और कब चली जाती है और उसे यूट्यूब पर व्यूज़ भी नहीं मिलते। बड़ी चिंता की बात ये इसलिए भी है क्योंकि अक्षरा सिंह के गाने बड़े ही उम्दा और अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अगर व्यूज़ न मिले तो एक चिंता की बात है। साथ ही साथ अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है और उनकी गायकी भी बहुत अच्छी है, फिर भी अगर उनके गानों पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो अक्षरा सिंह के लिए ये चिंता की बात होगी। लेकिन इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कई कारणों में से दो ऐसे कारण हैं जिन पे गौर करने वाली बात है। पहला कारण ये कि पवन और अक्षरा के विवाद में सबसे ज़्यादा लॉस अक्षरा सिंह का बताया जा रहा है। पवन सिंह की धड़ाधड़ फिल्में आ रही हैं और साथ ही साथ पवन सिंह का हमार वाला डांस ने तो महज एक हफ्ते में 1 करोड़ व्यूज हासिल किया है। पहला तो रीज़न ये बनता है कि पवन अक्षरा का विवाद अक्षरा के लिए घाटे का सौदा हुआ। और अब दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि भोजपुरी की ज़्यादातर बड़ी हीरोइनों ने अक्षरा सिंह का साथ नहीं दिया। काजल राघवानी तो वैसे भी नहीं देती क्योंकि उनका तो अक्षरा से 36 का आंकड़ा है। अंजना सिंह, रानी चटर्जी और तो और आम्रपाली दुबे ने भी अक्षरा सिंह का डट कर, या यूं कह लें कि अक्षरा सिंह के साथ ये सारी हीरोइनें खड़ी ही नहीं हुई। अगर ये सारी हीरोइनें खड़ी होती तो अक्षरा सिंह का पक्ष मजबूत होता और शायद आज अक्षरा सिंह के लिए और भी दरवाजे खुले होते। लेकिन एक राहत की बात यह है कि अक्षरा सिंह की लगातार 3 से 4 मूवीज आ रही हैं बैक टू बैक। पहली तो लैला मजनू, दूसरी डोली, तीसरी राजा राजकुमार। अब अगर इन फिल्मों में से कोई भी फिल्म अक्षरा सिंह की सुपर डुपर हिट हो जाती है तो अक्षरा सिंह के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे के रास्ते खुल जाएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।